अभी आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद हौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मंडल जहीराबाद के MRO बी गीता ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर बताया कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की स्कीम के तहत जहीराबाद की पब्लिक फायदा उठा रही है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि उनके सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड में नाम अलग है और वो भी इंक्वायरी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसमें 50% जहीराबाद के हैं और MRO बी गीता ने कहा कि किसी ब्रोकर को अप्लाई करने के लिए ना कहें। अगर अप्लाई करने के लिए कुछ मुश्किल हो रही है तो वो डायरेक्ट MRO ऑफिस से कॉन्टेक्ट करे। मोहम्मद फैयाज अहमद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नमस्कार। जहीराबाद में जो भी है शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का एप्लीकेशन बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं लोग, और डिस्ट्रिक्ट में भी जहीराबाद डिवीज़न का बहुत सारे कल्याण लक्ष्मी एप्लीकेशन भी अप्लाई और उनका चेक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा। सो इसमें कम से कम 500 एप्लीकेशंस पूरे अपना मंडल से ही हुआ। जब संगारेड्डी में जो एप्लीकेशन हुआ उसमें 50% अबव एप्लीकेशन अपना जहीराबाद से ही हो रहा। थोड़े इसमें क्या कि पीपल तकलीफ हो रहे बोल के कंप्लेंट दे रहे, उनका जो भी है वो मी सेवा में अप्लाई करने का है। मी सेवा में अप्लाई करते वक्त ही वो आधार कार्ड और कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का बोनाफाइड लगा के देना। नॉट ओनली आधार कार्ड, उसके साथ बोनाफाइड जरूर है। वो जो भी आंगनबाड़ी में पढ़े और कहीं भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, आप बोनाफाइड का सर्टिफिकेट एक ला के दिए तो 18 साल कंप्लीट हुआ सो बच्चे का पूरे के पूरे एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा। अगर रिजल्ट कहाँ हो रहा बोले तो ब्राइड ग्रूम रहते ना, वो क्या बोलते हैं पेली कोड़कू का भी उम्र 21 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही होते उनका भी। सो पेली कोड़कू का 21 ईयर्स और बच्ची का 18 साल जरूरी कंप्लीट होना, उनका तो बर्थ प्रूफ कंपलसरी अटैच करके ही अप्लाई करने का रहता। इसमें क्या है जो मीडिएटर्स रहते ना, वो हम करवाते बोल के थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वो नहीं बता के और रॉन्ग डिक्लेरेशन दे के वैसे कर रहे। हमारा वो नोटिस में 2-4 नोटिस में भी आए थे, उनको वार्निंग दे के और उनका हेडमास्टर जो भी है वो को इशू करे सो उनको भी एक मेमो लगा के उनका MEO से बात करके उन सब का एक मीटिंग भी लगा के उनको वार्निंग दिया हुआ ऑलरेडी। सो इसके बाद कोई भी एप्लीकेशंस इनएलिजिबल एप्लीकेशंस और करेक्शन मैनिपुलेट कर रहे सो ऐसे तो नहीं आ रहे। अगर जो भी तकलीफ है कुछ ना है तो हमारा तहसीलदार ऑफिस है, इधर मैं हूँ, हमारा गिरदवार रहते हैं, डिप्टी तहसीलदार, BRO सब ऑफिस स्टाफ रहते हैं, उनको पूछ के ही करना। जो मीडिएटर है उनको कैसे भी इंसिस्ट नहीं करना, ये करवाते वो कराते बोलते, उनको एप्लीकेशन भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। ये एप्लीकेशन देने के बाद भी क्या कर रहे बोले तो मी सेवा में एप्लीकेशन देने के बाद वो एप्लीकेशन चुप के हाथ में लेके फिर चले जा रहे घर को, एप्लीकेशन ऑफिस में नहीं दे रहे। इसके वजह से क्या हो रहा, हम ऑनलाइन से डाउनलोड नहीं कर पा रहे और वो एप्लीकेशन दे बोले तो घर में नहीं रह रहे, कहीं भी इधर चले गए, कहीं हैदराबाद चले गए, कहीं काम पे चले गए, वैसे बोल रहे। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट ऑफिस को आके अगर पटवारी रहने दो, गिरदवार रहने दो, ऑफिस स्टाफ किसी को भी दे के एक्नॉलेजमेंट लेने का है, वैसे दी तो हम वो भी जल्द से जल्द प्रोसेस कर देंगे। अब एप्लीकेशन तो मंडल में 31 पेंडिंग है, उनका भी इंक्वायरी चल रहा है, वो भी कल परसों 2 दिन में कंप्लीट हो जाते, कोई तकलीफ नहीं रहता। अगर कुछ ना तकलीफ रहे तो डायरेक्ट ऑफिस को ही जाना, मीडिएटर को किसी को नहीं पूछना, किसी को एंटरटेन नहीं करना, वो जो भी बात बोलते हैं उनका बात नहीं सुनने का है मीडिएटर का, हमारा ऑफिस में आके क्लैरिफिकेशन लेने का रहता। ये हमारा तरफ से विज्ञप्ति। ठीक है, सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।